जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णा चैतन्य quick announcement. We got the paan, special paan from Barsana Dham, right? We have there at the end of the katha, you'll be getting little bit of it. So I'm giving, who should I give? Revilla Mataji, to distribute to everyone. Okay. Thank you. This is special one, we'll never get it. Okay, so we'll hand over now. Baad mein. After the katha, I said. So, जय केशव प्रभु की, राधा रानी की, की बली मर्दन प्रभु जी की, प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विदन स्वामी नामिने नामस्य सरस्वती देवी गौरवनी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यादि पाशा देशतरणी वांछा कल्पतरु विच कृपा सुंदरी विच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रानी की, रावल धाम की, शिला प्रभुपाद की, नताय गौ प्रेमानंदे। तो प्राय लोग बहुत, मतलब 90% मेरे ख्याल से लोग हैं जो नहीं जानते कि रावल राधा रानी का प्रकट स्थान है। सबके दिमाग में क्या है? बरसाना। हमें भी एक्चुअल नहीं पता था जब हमने प्रथम बार इस्कॉन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किया 2016 में, तब हमें भी पता लगा कि रावल राधा रानी का प्रकट स्थान है, जन्म स्थान है। जय रावल धाम की। प्रभु जी सेइंग मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट नो that Raval is the actual birthplace of Radharani. They all considers Barsana is the birthplace. And he was also in the same opinion. But when he joined ISKCON and went for the 84 cross Brajmandal Parikrama in 2006, then he happened to know about the glories and actual birthplace of Radharani. तो जिस स्थान पे हम बैठे हैं, even ये और temple, 5500 साल पहले, 5500 वर्ष पहले द्वापर युग में यहाँ यमुना जी बहती थी। राधा रानी के माता जी एंड पिताजी, मदर एंड फादर, विश्व भानु एंड कृतिका सुंदरी रोज आते थे और यमुना मैया से प्रार्थना करते थे, हे यमुना मैया हमें एक कन्या, एक पुत्री का दान दीजिए। सो
this place where you are sitting right now, and as well as the place we went for this temple, actually it was Yamuna was flowing in Dwapar Yuga 5500 years ago. And that same time, Vrishabhanu and Kirtidas Sundari both used to come to this place of Yamuna and worship Yamuna and praying to God to receive a girl child. So, एक दिन विश्वभानु जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते थे, तो एक बार उन्होंने देखा एक लोटस, एक कमल, लेकिन उसके अंदर से बहुत प्रकाश, जैसे सैकड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं सैकड़ों सूर्य का लाइट आ रहा था उसमें। तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ, ये लोटस के अंदर से इतना लाइट क्यों आ रहा है। और वो फ्लो करते करते एकदम विश्वभानु जी के क्लोज आ गया। सो one day when Vrishabhanu Maharaj is worshipping nearby this bank of Yamuna, then he happened to see a beautiful lotus which is likely in the middle of this Yamuna, and there is a light which is equivalent to millions of suns, and it is emanating throughout the world as if, and he was able to not see, and the light is there, and then he came closer to this lotus. Prakriti ka ye niyam hai कि आज भी रात होती है तो सूर्य कोमल कमल जो है पुष्प वो बंद हो जाते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो अपने आप खिलने लगते हैं। तो जैसे ही विश्वभानु जी के पास धीरे धीरे कमल का पुष्प आया, उसी समय सूर्य उदय होने लगा, और जैसे ही कमल खिला उसमें से सुंदर सी बेबी राधा रानी थी। जय राधा रानी की जय। एज द मदर नेचर्स लॉ इज दैट द कमल मींस द लोटस has the significance that during the day it opens, in the night it closes. So when Vrishabhanu approached the lotus, it is about to begin the sunrise, because he came in the Brahma Muhurta. So when sunrise comes, the lotus is about to open up. So when it is opening up, within the lotus Vrishabhanu saw a beautiful girl situated in the center of the lotus. Vrishabhanu ji ne uthaya aur Yamuna ji ko thank you bola, shukriya ki aapne इतनी सुंदर कन्या का दान दिया है, और उन्होंने कीर्तिका की गोदी में दे दिया कि देखो यमुना महारानी ने हमको इतनी सुंदर कन्या का दान दिया। लेकिन एक समस्या थी, क्या राधा रानी के नेत्र आइस जो बंद थे। सो आफ्टर गेटिंग दिस वन वृषभानु वाज वेरी थैंकफुल टू यमुना, एंड ही इज सेइंग दैट थैंक्स यमुना फॉर गिविंग अस द चाइल्ड व्हिच वी आर वर्शिपिंग, एंड देन ही हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू हिज वाइफ कीर्तिदा सुंदरी on her lap, and then only one mistake or one defects found, that the Radharani's eye was not opening or is closed. तो इसी तरह विश्वभानु जी ने राधा रानी का लालन पोषण इसी रावल गांव में किया। ऑलमोस्ट 11 मंथ 15 डेज, साल भर समथिंग स्पेंड हो गया। तो यहाँ से गोकुल 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर है, वहाँ नंद बाबा रहते हैं। तो उनके यहाँ कौन प्रकट हुआ? ठाकुर जी। विश्वभानु जी और नंद बाबा आपस में क्लोज फ्रेंड थे, तो जब कृष्ण प्रकट हुए तो इन्होंने, नंद बाबा ने विश्वभानु जी को इनविटेशन दिया नंदोत्सव के लिए। सो दे टुक केयर ऑफ दिस चाइल्ड फॉर ऑलमोस्ट ईयर 11 मंथ्स 15 डेज और सो, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे कुड नॉट ट्रेस आउट द रीजन फॉर ओपनिंग ऑफ द आईज। And similarly, nearby, 7 kilometers from here is Gokul, the place where Nanda Baba is there as a king, and he has the son Krishna. So they are also celebrating the birth of Krishna, and they have invited, because both Nandavar Maharaj and Vrishabhanu are very close friends. So they invited for this festival, Nandosav, to Vrishabhanu Maharaj. Nanda Baba Vishwanu ji, richest man the us samay braj ke. लक्ष्मी नहीं, मनी नहीं, गोधन। उस समय जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय उतना बड़ा व्यक्ति होता था। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, लेकिन विश्वभानु जी के पास में 11 लाख, 11 लाख गाय थी, उनसे भी 2 लाख गाय ज़्यादा नंद बाबा से। तो इसलिए आपस में लोग परम मित्र थे। सो बोथ ऑफ देम नंद महाराज एंड विश्वभानु, इवन दे आर क्लोज फ्रेंड्स, दे आर आल्सो वेरी रिच, रिच नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, in the sense of earlier days calculated land and go cows. So Nanda Maharaj had cows, 9 lakhs cows. However, Vrishabhanu, Radharani's father, has 11 lakhs cows. He has more cows than Nanda Maharaj.
तो विश्वभानु जी कीर्तिका सुंदरी को लेके और राधा रानी को लेके गए, कैसे गए राधा रानी जिस समय अभी आपने विग्रह का दर्शन किया, राधा रानी बकाइयाँ बकाइयाँ चलने लगी थी, तो उनको लेके गए और नंद बाबा विश्वभानु जी आपस में कुछ चर्चा करने लगे, इधर कीर्तिका सुंदरी और यशोदा माँ आपस में चर्चा करने लगी, राधा रानी को नीचे रख दिया खेलने के लिए, राधा रानी इस तरह से ऐसे ऐसे गईं और जिस पालने पे ठाकुर जी लेटे हुए थे, बड़ी मुश्किल से कठिनाई से ऊपर चढ़ के दोनों हाथों से पालने को टेढ़ा करके 11 महीना 15 दिन के बाद में नेत्र खोल के सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन किया है। सो व्हेन दे आर इनवाइटेड सो दे टुक राधा रानी आल्सो कीर्तिका सुंदर विश्वभानु वेंट टू कृष्णस होम एंड कृष्णा वाज आल्सो बेबी सो ही इज आल्सो सिटिंग ऑन द क्रिब बेबी क्रिब एट द सेम टाइम बिकॉज व्हेन दे टॉक ईच अदर कीर्तिका इज टॉकिंग टू यशोदा Nanda Baba is talking to Krishnabhanu. So during the talk, they basically leave the child down. And Radharani, as you saw the picture, crawling, right? So he used to crawl when it was almost 11 months, 15 days. So crawling, somehow she happened to reach to this crib of Krishna. And she tried hard to climb or to stand and to see who is there. And on the spot, when she saw Krishna, she opened her eyes for the first time. तो इस तरह से नंद बाबा गोकुल में 2 years 56 days थे और राधा रानी भगवान से 11 months 15 days बड़ी थी, तो उस हिसाब से राधा रानी ऑलमोस्ट 3.5 साल तक रावल में थी। जब 2 साल 56 दिन के भगवान हो गए तो भगवान गोकुल टू छठी करा टू नंदगांव चले गए। विश्वभानु जी को कभी भी कंस ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, कभी भी हमको कंस परेशान कर सकता है और दूसरा नंद बाबा मेरा मित्र हमसे इतनी दूर चला गया, इसलिए उन्होंने रावल वासियों के साथ जाके बरसाना बसाया। सो द एज फैक्टर एज यू नो प्रभु जी मेंशन दैट राधा रानी इज ऑलमोस्ट ईयर ओल्डर देन कृष्णा व्हेन कृष्णा वाज बोर्न इट्स अ डे एंड राधा रानीज एज इज दैट टाइम इज 11 months 15 days सो ही इज ओल्डर देन दैट एंड As Kansai is troubling Nanda Maharaj because of Krishna, so after 2 years 56 months staying in Gokul, 56 days, they moved to Nandagaon. So similarly, Vrishabhanu also thought that Kansa is not disturbing now, but there could be a possibility because I am friend of Nanda. So on the count, on the basis, Kansa may disturb me also. So they also moved from this village, Rawal, to Barsana. तो ये लीला हो गई द्वापर युग की। अभी एक छोटी सी लीला है कलयुग की, कैसे ये जो डीटीज आपने देखा इस सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी जो राधा कृष्ण आप दर्शन कर रहे हैं स्वतः प्रकट विग्रह है, उसका एक छोटा सा पास्ट टाइम्स है। सो दिस इज द पास्ट टाइम्स ऑफ द्वापर लीला हाउ कृष्ण एंड राधा मेट बट दिस नाउ यू सॉ द टेंपल दिस हैपेंड इन द कलयुग सो दिस स्मॉल डीटीज यू सॉ राधा एंड कृष्ण व्हिच इज सेल्फ मैनिफेस्टेड Details which is exhibited here. Prabhuji is going to talk about it. अभी हमने आपको past times बताया 5,500 years back. अभी जो past times बताने जा रहे हैं only 500 years back. So the past times he said about 5,500 years ago Dwapar Yuga. Now the past times he is going to speak 500 years ago what has happened about the deities. जो अभी सेवा कर रहे हैं इनके पूर्वज, उनका नाम था परमानंद व्यास, वो राजस्थान जोधपुर से छोटे राधा कृष्ण, जो आपने देखा ना बड़े डीटीज हैं उनके नीचे छोटे राधा कृष्ण, उनको वो लेके आए और यहीं पे बैठ के भजन करने हैं, मीन्स ये प्लेस पे। और उस समय जो आपने ट्री का दर्शन किया उस तरह यहाँ ऑलमोस्ट लाखों वृक्ष थे। सो देयर इज अ डिवोटी कॉल्ड परमानंद व्यास फ्रॉम राजस्थान So he used to worship the small deities. So he came, he moved here in this place and he's worshipping the small deities. And the tree you saw in the top of this rooftop, in the rooftop you saw the trees. The trees was available here like millions on that time when he was worshipping 500 years ago. So Radha Rani, unke swapn mein aake, unke dream mein aake boli, Hey Paramanand, jahan main kamal se prakat hui thi, tu ja wahan, wahan Yamuna ji abhi पीछे जा चुकी हैं और वहाँ हजारों में भी टेटी और कनेल क्या बोलते हैं उस ट्री को, वहाँ हजारों वृक्ष हैं
दो वृक्ष के नीचे, दो जड़ों के नीचे मेरा और ठाकुर जी का विग्रह है, उसे निकाल और सेवा चालू कर और वहीं इंस्टॉल करना, वहीं स्थापित करना जहां से वो प्रकट होंगी। सो व्हेन ही वाज वर्शिपिंग राधारानी इज वेरी मर्सीफुल एंड प्लीज्ड विद परमानंद व्यास एंड शी केम इनटू अ ड्रीम परमानंद व्यास एंड राधारानी सेड टू हिम दैट द सेम स्पॉट व्हिच आई अपीयर्ड इन द्वापर युग now yamuna has already gone back, it's a land now, there is no more water, it's a land, but the same point, this tree is known as cheti trees or kanel trees, so these trees are lot of trees available, and you'll find out two trees where Radha and Krishna, our deities would be there, and you discovered those deities and installed the same place where it was detected and where the actual birthplace happened and start worshipping me. So वो आए और उन्होंने जितना हो सका 200-400 वृक्ष उन्होंने निकाले, लेकिन वो थक गए। फिर उन्होंने राधा रानी से रिक्वेस्ट किया कि हे राधा रानी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि इतने ट्रीज हैं, निकालते निकालते तो मेरा जीवन हो जाएगा, मैं भक्ति आप भजन कब करूँगा, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो राधा रानी उनके स्वप्न आके दोबारा बोली कि ठीक है, तू अगले दिन जा, वहाँ एक श्यामा गाय, एक काली गाय आएगी और अपने चारों थनों से दो ट्रीज के नीचे दूध देके जाएगी, एक के नीचे मेरा और एक के नीचे ठाकुर जी का विग्रह होगा, उसे निकालना और स्थापित करना। सो आफ्टर परमानंद व्यास रिसीव दिस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम राधा रानी इन द ड्रीम, सो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द डीटीज, सो ही ट्राइड टू रिमूव ऑलमोस्ट 100 ट्रीज, बट ही कुड नॉट फाइंड आउट वेयर राधा एंड कृष्णा एंड ही वाज टू टायर्ड and he thought that if I and the wife spend too many times, what is the possibility I get? So again he prayed to Radharani that please give your mercy and tell me where you are so that I can easily find out. So Radharani again came into dream the same night to Paramananda Vyas and she told, okay, I understand, and tomorrow you go and you will find out a black cow. A black cow will come to a certain tree and she will generate milk and feed under the trees and you will find out the same spot to me and my deities. तो उन्होंने फिर वो देखा गाय आई और दूध जेके गई, तो उन्होंने थोड़ा अपने हाथों से निकाला, उसके बाद कुछ ब्रजवासियों ने, कुछ रावल वासियों ने उनको हेल्प किया, तो उन्होंने दूध में ही अंदर जब उन्होंने खोदा तो वहाँ हजारों लीटर दूध में ये वाले राधा कृष्ण तैर रहे थे। फिर उन्होंने उसको निकाला, इंस्टॉल किया। ये जो मंदिर देख रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन बाद में क्या है, बाद में ग्रेनाइट टाइल लगा दिया गया है। तो जब डीटी इंस्टॉल कर दिए, विदिन 8 to 9 मंथ्स के अंदर वो वृक्ष को तो निकाल दिया, आसपास के भी सारे वृक्षों को निकाल दिया, क्योंकि टेंपल बनाना था। वो दोनों वृक्ष ऑटोमेटिक अपने आप दीवार को फाड़ के निकल गए और आज भी 500 वर्ष से आज भी वहाँ विराजमान है। सो आफ्टर गेटिंग दिस वन द नेक्स्ट वन परमानंद व्यास वेंट and he discovered this tree where the black cow is feeding milk to someone on the down. So he detected there is thousands of liters of milk is floating between these two trees, and then after discovering that one, the Radha and Krishna deities are likely floating or swimming on this milk which is given by this cow. So when he got those tree, got those Radha Krishna and then install it here, you see the behind there is a concrete granite wall, but they put the granite wall and they removed all the trees around because they wanted to establish the temple 500 years ago, so they wanted to establish the temple. But suddenly from this granite also the two tree, they expanded their branches on top of the temples which we saw few minutes ago. To Radha Rani is tarah se yahan pe do bar prakat hui, ek bar dwapar yug mein kamal ke pushp mein और कलयुग में इस विग्रह के रूप में। लेकिन इससे ज़्यादा प्रसिद्ध अभी बरसाना है, लेकिन एक्चुअल राधा रानी बर्थ प्लेस प्रकट स्थान ये है। जय रावल धाम की, राधा रानी की। सो इन दैट सेक्शंस प्रभुजी सेड दैट द पास्ट टाइम्स हैपेंड फॉर राधा एंड कृष्णा टू टाइम्स, वन इज इन द्वापर युग शी अपीयर्ड इन पर्सन एंड इन कलयुग 500 इयर्स अगो शी गेव मर्सी थ्रू are manifested deities to us, and it has been likely worshipped by many,
And so far, whatever you have seen, these trees, the teti trees. Teti canal, canal trees. So we are getting mercy from her double. ये देखिए एक ट्री है, ये देख रहे बड़ा सा वृक्ष, तो बोलते हैं ये द्वापर युग से यहाँ विराजमान है। दो ट्रीज हैं, आपस में हक आलिंगन के लिए करे हुए हैं, एक राधा और एक कृष्ण का प्रतीक है। दैट वन प्रभु जी, बिग वन, ऑल द बिग वन। तो एक राधा और कृष्ण का प्रतीक है। भगवान ने कहते विश्वकर्मा को आज्ञा देके इस वृक्ष को लगवाया था। इवन हमने भी आज से 20 ईयर्स और 16 ईयर्स 17 ईयर्स पहले देखा है, वन ब्लैक एंड वाइट था। अभी उसका थोड़ा कवर उतर गया है, बट वो देखने से पता लगता है टू ट्रीज हैं, एक राधा एंड कृष्णा। सो यू सॉ दैट ट्री, इट वाज कंसीडर्ड दैट विश्वकर्मा हैज बीन ऑर्डर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू फ्रक्टिफाई दोज टू ट्रीज, एंड दो ट्रीज आर कंसीडर्ड राधा एंड कृष्णा एम्ब्रेसिंग ईच अदर। वन वाज सपोज्ड टू बी ब्लैक इज इन कलर एंड वन इज गोल्डन कॉम्प्लेक्सेस, राधारानी इज कलर। So, but right now, because of the time factor, it is not that. But these two trees, we will go and see, which is in the form or embodiment of Radha and Krishna. Jai Raval Dham ki, Radha Rani ki. Okay, go take darshan. And you see this, all these vrikshas here, they are Ashok trees. Because in Radha Kripa Kataksha, second stanza is Ashoka Vruksha Vallari. Right? So, Radha Rani's real home is surrounded by Ashoka trees. These are all Ashoka trees. ये राधा रानी का बगीचा एक्चुअली। ठाकुर जी चुपके से यहाँ राधा रानी से मिलते थे और झूला झूलते थे, तो इसलिए वहाँ पे झूले का मंदिर बना है। ये बेबी झूला है, नॉट द एक्चुअली। माता जी ये जो हैं, जो यहाँ के गोस्वामी हैं, वो ये बोलते हैं कि ये है, तो हम यहाँ के हिसाब से ये कथा है। सो दिस इज टॉक फ्रॉम हियर द लोकल थिंग, एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स वी सॉ दैट बिकॉज व्हेन कृष्णा वाज बॉर्न Putana got the, like two kids, right, Chandavali and Radharani, from Vindhya mountain. That's another story. And he pulled both of them because Kansa ordered that any child born this time you kill. So she got those two kids and she's flying on the sky, and by the time, you know, she got the divine influence and also she cannot carry. So she threw these two child, Radharani and Chandravali, in the Yamuna. So one was received by Chandravanu, another is received by Vrishabhanu. So the timing would be probably by the time if they are born 1 year, then the Putana might have gotten killed. Or here, so who knows? Because Radha Ashtami comes later than Janmashtami. No, no, that doesn't qualify that he will be senior. No, but like, you know, we consider that Radha. No, 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 yeah, it is. Maybe next year, 11 years, 11 months. Yeah, yeah, that I know. But what do we accept in Gaudiya? Dhamma Gaudiya. Okay, Radha Rani ki. Chai. Okay, वो दर्शन कर लीजिए ट्री का. So Gokul का Gokul में करेंगे.